आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय का यदि संख्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो उसको किस प्रकार से हल किया जाता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा की थी जिसमें ये बताया था कि किस प्रकार से सकल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, निजी आय आदि की गणना किस प्रकार से की जाती है, इनके सभी के हमने विस्तार से समीकरण को सीखा था। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में उन समीकरणों को प्रयोग में लेते हुए किस प्रकार से राष्ट्रीय आय के संख्यात्मक प्रश्नों को हल किया जाता है इसको हम जानेंगे। तो मैंने देखिए राष्ट्रीय आय का एक संख्यात्मक प्रश्न लिया है, निम्न समंकों से शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर, सकल राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बाजार कीमत पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन साधन लागत पर, निजी आय, व्यक्तिगत आय, खर्च योग्य आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना कीजिए। इस प्रकार इस सवाल में राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितने भी अवधारणाएं हैं उन सबको पूछ लिया गया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई भी राष्ट्रीय आय से रिलेटेड सवाल आता है तो उसको किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए इसमें 17 एंट्री दी हुई है। जीडीपी मार्केट प्राइस दे रखी 3 लाख करोड़, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड दे रखी 10,000 करोड़, डेप्रिसिएशन दे रखा है 5,000 करोड़, मूल्यह्रास, अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 5,000 करोड़, सब्सिडी दे रखी 2,000 करोड़, पॉपुलेशन दे रखी है 100 करोड़, सरकारी विभाग यानी रेलवे की आय दे रखी है 6,000 करोड़, गैर सरकारी विभाग जिसमें SBI है उसकी आय दे रखी 4,000 करोड़, सामाजिक सुरक्षा अंशदान जो सरकार के द्वारा अपने एम्प्लॉय का सामाजिक सुरक्षा अंशदान काटा जाता है जिसे NPS भी कहा जाता है, जिसे GPF भी कहा जाता है, वो 3,000 करोड़ है। सरकार के द्वारा जो ट्रांसफर पेमेंट व्यक्ति को दिया गया है वो 3,000 करोड़ है। शेष विश्व से जो ट्रांसफर पेमेंट प्राप्त हुआ है वो 1,000 करोड़ है। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जिसे इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है, इन पर ब्याज जो दिया गया है वो 2,000 करोड़ है। इसके अलावा निजी कंपनियों की बचतें जो निजी उद्यमी है उनके द्वारा जो बचत होती है वो 6,000 करोड़ दी गई है। इसके अलावा निगम कर यानी कारपोरेशन टैक्स 10,000 करोड़ दिए हैं, डायरेक्ट टैक्स 7,000 करोड़ दिया गया है, फीस 2,000 करोड़ दी गई है और जुर्माने फाइन्स 1,000 करोड़ दिए गए। अब हमको यह निकालना है सबसे पहले NDP मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय बाजार कीमत पर, सकल घरेलू नहीं शुद्ध है, N है शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये इसको बोलते हैं NDP मार्केट प्राइस। दूसरा पूछा है ये देखिए साधन लागत, साधन कीमत पर, कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं NNP फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद में बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, इसको बोलते हैं GNP मार्केट प्राइस। इसके अलावा बाजार कीमत पर सकल की जगह अगर शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, तो उसको लेंगे NNP मार्केट प्राइस। इसके अलावा साधन कीमत पर, साधन कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, इसको लिखेंगे NNP फैक्टर कॉस्ट। ये सारी चीजें मैंने बताई, PI वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें। अब देखिए एक एक का हम इसमें निकालते हैं, कैसे प्रकार से निकालते हैं, एक एक की गणना करते हैं। जैसा हमने पहले राष्ट्रीय आय के विभिन्न समीकरणों को देखा था, सिमिलरली उन समीकरणों को यूज करते हुए
हमको इसका कैलकुलेशन करना है। बहुत सरल काम है, बहुत ज्यादा कोई इसमें है नहीं। सबसे पहले देखिए हमको निकालना है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। जब भी नेट आपको निकालना है तो आपको ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को घटाना है, ये हमारा गोल्डन रूल। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस दे रखा है 3 लाख रुपए, 3 लाख करोड़। डेप्रिसिएशन दे रखा है 5000 करोड़। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2,95,000 करोड़। ये आ गया एनडीपी एमपी। पहली चीज हमारी क्लियर हो गई। दूसरा पूछा है एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक। अब देखिए जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट पूछा जाए तो आप मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए और सब्सिडी को जोड़ दीजिए, इसका गोल्डन रूल है। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपी मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को तो घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। और अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इनडायरेक्ट को जोड़ देंगे, सब्सिडी को घटा देंगे। देखिए एफसी टीआई इधर आएगा प्लस हो जाएगा, एसजी प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब देखिए एनडीपी एमपी हमको दे रखा है 2,95,000, टैक्स इनडायरेक्ट 5000 करोड़, ये देखिएगा, तो इसमें से 5000 करोड़ घटेगा और सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी गई, चाहे वो रसोई गैस पे दी गई, चाहे केरोसिन पे दी गई, चाहे और किसी पर सब्सिडी दी गई, वो 2000 करोड़। तो 2,90,000 और 2000, 2,92,000 घटेगा, 2,92,000। देखिए 2,95,000 में से 5000 कटा तो आया 2,90,000 प्लस 2000, दैट इज 2,92,000। तो ये हमने फर्स्ट निकाल दिया एनडीपी एमपी, दूसरा निकाल दिया एनडीपी एफसी। अब तीसरी चीज पूछी गई है जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो देखिए हमने क्या करना है, दो चीज तो निकाल दी, अब देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, तो एक और चीज समझ लीजिए, नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में आपको NFIA जोड़ना है, ये ध्यान रखना है, ये भी गोल्डन रूल है। तो हमको निकालना है तीसरा जो निकालना है जीएनपी मार्केट प्राइस के लिए जीडीपी मार्केट प्राइस में एनएफआईए जोड़ना है। एनएफआईए क्या होता है, कल भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया, भारतीय साधन विदेशों से क्या कमा के लाए और विदेशी साधन हमारे यहां से क्या कमा कर लेकर। मान लीजिए भारतीय साधन हमारे यहां से लेकर गए 25,000 करोड़ कमा कर लाए, विदेशी लोग हमारे यहां से 20,000 करोड़ कमा कर ले गए, तो ये क्या हुआ, 5,000 करोड़ नेट बचा। ये देखिए नेट दिया हुआ है, एनएफआईए 10,000 करोड़ दे रखा है, इसका मतलब हमारे साधन कमा के लाए 25,000 करोड़, विदेशी साधन मान लो 15,000 करोड़ लेके गए, तो नेट हमारे पास क्या बचा, 10,000 करोड़। यानी भारत के जितने भी लोग है विदेशों में काम कर रहे हैं, वो मान लीजिए 25,000 करोड़ कमा कर लेकर आए, और विदेशी लोग जो भारत में काम कर रहे हैं वो 15,000 करोड़ कमाकर लेकर गए, तो नेट हमको क्या बचा, 10,000 करोड़। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय। ये हमारे यहाँ डायरेक्ट दे रखी है, विदेशों से शुद्ध साधनगत आय 10,000। तो हमको क्या करना है, जीडीपी एमपी, देखिए जीडीपी एमपी दे रखा है 3,00,000 करोड़ प्लस एनएफआईए, ये दे रखा है 10,000 करोड़। तो ये आ जाएगा 3,10,000 करोड़। ये आपकी अगली प्रॉब्लम तीसरी। चौथा पूछा है ने एनएनपीएमपी, देखिए ये अगला पूछा एनएनपीएमपी। तो मैंने आपको बताया था नेट निकालने के लिए ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को घटाना है, तो एनएनपीएमपी के लिए जीएनपीएमपी में से डेप्रिसिएशन को घटाना है। तो जीएनपी एमपी हमको दे रखा है 3,10,000 करोड़,
में से डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है 5000 करोड़, जीएनपी एमपी हमको दे रखा है 10000 करोड़, 3,10,000 करोड़, ये अभी निकाला हमने जीएनपी एमपी, इसमें से डेप्रिसिएशन हमको दे रखा है 5000 करोड़, वो 5000 करोड़ घटा दिया तो आया 305000 करोड़, 305000 करोड़, ये आया एनएनपी एमपी। अब पांचवी चीज जो पूछी गई है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एनएनपी मार्केट प्राइस में से हमेशा टैक्स इंडायरेक्ट को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है, फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। तो 3005 करोड़ तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है, 3,05,000 करोड़ ये तो दे रखा है एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। टैक्स इंडायरेक्ट दे रखा है 5000 करोड़ और सब्सिडी हमको दे रखी है 2000 करोड़, तो 3,05,000 करोड़ में से 5000 घटेंगे, 2000 जुड़ेंगे तो आएगा 3,02,000 करोड़, ये हमारी राष्ट्रीय आय आई। तो हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि बहुत काम की चीज है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम आई हमारी 3,02,000 करोड़। तो हमने ये देखिए एनडीपी एमपी निकाल दिया, एनडीपी एफसी निकाल दिया, जीएनपी एमपी ये निकाल दिया, एनएनपी एमपी ये निकाल दिया और एनएनपी एफसी ये निकाल दिया। तो पांच चीजें हम निकाल चुके हैं, आगे की बात करते हैं। अब देखिए अब आती है व्यक्तिगत आय की बात। तो व्यक्तिगत आय निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखिए पी आई इसको बोलते हैं निजी आय, फिर व्यक्तिगत आय निकालेंगे, पहले निजी आय। निजी आय निकालने के लिए क्या करते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में तीन चीज जुड़ेगी, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स जुड़ेगा, ट्रांसफर पेमेंट बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हाउस होल्डर्स जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट जुड़ेगा, माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन घटेगा, माइनस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये दो चीज घटेगी। हमेशा निजी आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में सारे हस्तांतरण भुगतान और राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को जोड़ा जाता है और सामाजिक सुरक्षा अंशदान को घटाया जाता है और सरकार के जो भी उपक्रम है उनको जो प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकार के जो यूनिट है उनका जो कमाई है उनको घटाया जाता है। तो एनएनपी एफसी हमारी आई 3,02,000 करोड़। ये देखिए ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, सरकार ने व्यक्तियों को, सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों को जो पेंशन दी, विधवाओं को जो पेंशन दी या बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी, वो कुल मिलाकर है 3,000 करोड़। ये देखिए ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट टू हाउस होल्डर्स, विदेशों से व्यक्तियों को विदेशों से जो ट्रांसफर पेमेंट मिला ये 1,000 करोड़, ये राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज सरकार ने दिया 2,000 करोड़, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का पर खर्चा हुआ 3,000 करोड़, माइनस सरकारी विभाग की आय। तो सरकारी विभाग की हमको दो आय दे रखी है, एक तो सरकारी विभाग रेलवे की आय दे रखी है, एक दूसरा सरकारी गैर सरकारी विभाग यानी एसबीआई भी सरकारी बैंक की है, ये 10,000 करोड़ इसमें से, तो 6,000 करोड़ ये घटे और 4,000 करोड़ ये घटे। सरकारी विभाग रेलवे की आय ये है पब्लिक प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, गैर सरकारी विभाग एसबीआई जिसमें सरकार का अंश है तो प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी कहेंगे, इसको भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कहेंगे। तो दो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की हमको इनकम दे रखी है, एक की 6,000 करोड़ दे रखी है, एक की 4,000 करोड़ दे रखी है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो यहां देखिए 3,02,000 करोड़ में 3,000 करोड़ जुड़े तो 3,05,000 करोड़, में से 10,000 करोड़ घटे तो 2,95,000 करोड़ बचे। क्या करना है, 3,02,000 करोड़ देखिए 3,000 से 3,000 कैंसिल हो गया, तो ये 3,000 करोड़ इसमें जुड़े तो आए 3,05,000 करोड़, 3,05,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ गए तो आए 2,95,000 करोड़, ये हमारी निजी आय की प्राप्ति। अब निजी आय से व्यक्तिगत आय निकालेंगे, ये क्वेश्चन ये आपकी 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 वाली टर्म है,
सेवन टर्म बोलते हैं व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, निजी आय में से कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर को घटाते हैं और यूडीपी अवितरित लाभ को घटाते हैं जो कि हमारे हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये दोनों घर पे प्राप्त नहीं होते हैं। व्यक्तिगत आय में निगम कर को घटाएंगे और अवितरित लाभ को घटाएंगे। तो देखिए ये थी टू पीआई थी 2,95,000 करोड़। निगम कर बहुराष्ट्रीय निगम पर जो कर लगाया गया वो 10,000 करोड़ है, निगम कर 10,000 करोड़। और अवितरित लाभ जो लाभ को नहीं बांटा गया वो 6,000 करोड़ है। तो 2,95,000 से 16,000 करोड़ घटाएंगे तो आएगा 2,79,000 करोड़। ठीक है, ये आपको व्यक्तिगत आय प्राप्त हो गई। तो व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, निजी आय में से दो चीज घटाते हैं, निगम कर को घटाया जाता है और अवितरित लाभ को घटाया जाता है। देखिए बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप है, आप इसमें जब भी कोई गणितीय प्रश्न आता है बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य रूप से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो स्टेप आता है, अगला आता है 8th नंबर खर्च योग्य आय। इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, डीपीआई। तो डीपीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो व्यक्तिगत आय है इससे हम पहले डायरेक्ट टैक्स को चुकाना पड़ेगा, इसके अलावा फीस एंड फाइन्स को हमको चुकाना पड़ेगा, बाकी को ही हम खर्च कर सकते हैं। तो हमारी जो व्यक्तिगत आय आई है वो आई है 2,79,000 करोड़ में से डायरेक्ट टैक्स 7,000 घटाने पड़ेंगे, ये आयकर है। तो पहले हमारे को आय में से आयकर घटाना पड़ेगा, कोई फीस हमको देनी है सरकार को तो वो हमको वापस देनी पड़ेगी, और कोई जुर्माना सरकार ने हमारे पर लगाया है वो चुकाना पड़ेगा, बची हुई आय को ही हम खर्च कर सकते हैं। तो हमारी खर्च योग्य आय जो हुई वो 2,69,000 करोड़। और ये जो डीपीआई होती है, खर्च योग्य आय हमेशा कंजप्शन और सेविंग होती है। अगर हमको यहां दिया होता कि कंजप्शन क्या है, सपोज कीजिए हमको यहां दे रखा होता कंजप्शन हमारा है 2,50,000 करोड़ और सेविंग हमको दे रखी है 19,000 करोड़। तो यहां देखिए डीपीआई 2,50,000 करोड़ प्लस 19,000 करोड़ तो आ जाता 2,69,000 करोड़। ये प्रूव हो जाता कि हमने जो कुछ किया वो सही किया। कई बार सवाल में इस प्रकार से दो एंट्री और दे दी जाती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब लास्ट एक और चीज पूछनी है, वो पूछी गई है प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय, इसके लिए आपको क्या करना है, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देना है। राष्ट्रीय आय हमारी 3,02,000 करोड़, जनसंख्या हमको दे रखी 100 करोड़, करोड़ के सारे बिंदु से करोड़ के सारे बिंदु करोड़ के 2,0 से 2, तो प्रति व्यक्ति आय 3,020 रुपए। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का किसी भी प्रकार का कोई सांख्यिकी प्रश्न आता है आप स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो उसको आसानी से हल कर पाएंगे। कुछ और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें राष्ट्रीय आय के सवाल को और आपको हल करना बताएंगे। आप इस प्रकार के सवाल जब भी हल करें आप कॉपी और पेन साथ में लें और वीडियो को देखने के साथ आप पहले सोल्व करिए, फिर वीडियो को देखिए, एक बार आप पूरा देख लीजिए, फिर दोबारा में आप सोल्व करिए। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो मैं समझता हूं आप बहुत आसानी से राष्ट्रीय आय के किसी भी प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। मैं समझता हूं ये वीडियो राष्ट्रीय आय के संख्यात्मक प्रश्न को हल करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।